स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज देश भर के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम काल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां गर्मी पड़ने वाली है और कहां आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि 12 घंटे बाद फिर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों माना जा रहा है कि देश भर में अब तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे धूप में चलना भी अब दुश्वार हो गया है। दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में कई जगहों आज भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। दोस्तों इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। दोस्तों दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दिन में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में आज दिन भर कड़ी धूप के लिए कई रही है। दोस्तों कड़ी धूप रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक देश भर के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। दोस्तों इन इलाकों में होगी तेज बारिश। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर से उठे पश्चिमी विपोच के चलते एक बार फिर चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 13 मार्च यानी कि आज मौसम समान रहने की आशंका जताई है। इसके साथ ही अच्छी धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। 14 और 15 मार्च को बारिश के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान ओलावृष्टि की संभावना बनी रहने की संभावना है। दोस्तों बारिश से यहां करेगी नुकसान। IMD के मुताबिक पश्चिमी विपोच का असर उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी इलाकों में गर्ज के साथ ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा असर शिवपुरी मुरैना जिलों में पड़ने की संभावना है। दोस्तों इन जिलों में फसलें खड़ी हुई हैं, जिसके अलावा MP के ग्वालियर तमाम हिस्सों में बारिश संभावित कर दी गई। दोस्तों इन हिस्सों में गर्ज चमक के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 18 मार्च के बीच दक्षिण इलाकों में मौसम का मिजाज काफी बदल सकता है। इन इलाकों में पारा नीचे गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में विद्रोह और मराठवाड़ा और बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में बिजली गिरने की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।